हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो है ये जाइंट कैक्टस के बारे में। ये मेरे पास जाइंट कैक्टस है, ये काफ़ी साल पुराना है। तो ये आप देख रहे हो कितने बड़े कैक्टस। ये बहुत पुराना कैक्टस है। तो फ्रेंड्स, हमें इसकी देखभाल कैसे करनी है? हमें इसकी देखभाल करने के लिए हमें पहले तो इसमें पानी बहुत ही कम देना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में आप 2 से 3 महीना में एक बार पानी दीजिए, और गर्मी के मौसम में महीना में एक बार, मंथ में आप सिर्फ एक बार इसमें पानी दीजिए, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट में ही ये मिलते हैं। तो इसके पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि कैक्टस में सभी को पता है कैक्टस प्लांट्स के अंदर बहुत सारे पानी स्टोरेज रहते हैं। ये जो है, ये पूरा जो बॉल है इसके अंदर काफ़ी सारी पानी है, तो जिसकी वजह से इसके पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो अब हमें इसकी सॉइल जो है कैसे तैयार करनी है। इसकी सॉइल तैयार करने के लिए हमें करनी क्या है, 60% इसमें आपको रेत देनी है, 60% आपको इसमें बालू देनी है, और 20% इसमें आपको मिट्टी देनी है, और थोड़ा सा 10% आपको इसमें खाद देनी पड़ेगी, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में अगर आपके पास बोन मील है तो इसमें आप 2 स्पून बोन मील उसमें मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास बोन मील नहीं है, DAP और NPK है, तो बड़ा अगर गमला है तो आप उसमें 8 दाने DAP और 8 दाने NPK की मिक्स करके डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप जो बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट के आपका 1% बर्मी कंपोस्ट आपका उसमें सॉइल में मिक्स कर दीजिए, जैसे आप जब वो सॉइल तैयार कर रहे हो। अगर आप सॉइल तैयार करके पौधा तैयार कर लिए हैं, कोई बात नहीं, आप ऊपर से भी उसको डाल के फिर अच्छी तरह से सारे मिट्टी को मिक्स कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको महीना में भी फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप 5 महीना 6 महीना में भी एक बार फर्टिलाइज़र दे दो तो काफ़ी है, क्योंकि ये कैक्टस प्लांट्स हैं, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माई फ्रेंड्स।